खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और काशी के दशाश्वमेध घाट से बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर को सोशल मीडिया पर लिखा एक पोस्ट बहुत भारी पड़ गया। दरअसल प्रोफेसर ने ये लिख दिया अपने इस पोस्ट में कि सीटों की संख्या के हिसाब से उसका आकलन ये है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। इतना लिखने के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इस प्रोफेसर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। परेशान दिख रहे त्रिपुणधारी शास्त्री जी ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर हैं। काम ग्रही नक्षत्रों के हिसाब से भविष्य का पता लगाना है, लेकिन इसी काम ने शास्त्री जी को फंसा दिया। वजह ये फेसबुक पोस्ट है जिसमें उन्होंने 28 अप्रैल को ये भविष्यवाणी की थी, बीजेपी को 300 के पास और एनडीए को 300 के पार बताया था। शास्त्री जी प्रोफेसर सरकारी हैं, लिहाजा इस तरह से फेसबुक पर सार्वजनिक भविष्यवाणी वो भी बीजेपी के पक्ष में करना भारी पड़ गया। सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। विक्रम विश्वविद्यालय में ज्योतिर्विज्ञान अध्ययन शाला के प्राध्यापक डॉक्टर राजू मुसलगांवकर ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। इस संदर्भ में उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन के लिए आदेश आया था। विश्वविद्यालय ने उस पत्र के अनुसरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मामला उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का है। अब प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि गणना तो उन्होंने की, लेकिन फेसबुक पर उनके किसी छात्र ने डाल दिया। ऐसे ही विद्यार्थियों के मध्य बैठकर चुनाव के विषय में संभावनाएं खोजी जा रही थी, तो उस समय की कुंडली के आधार पर कुछ फलादेश किया गया होगा। अब चूंकि मेरा मोबाइल और मेरा पीसी खुला रहता है, किसी उत्साही छात्र ने लिख दिया, परंतु वो ऐसा नहीं लिखा गया था कि किसी पार्टी की विशेष में या किसी नेता के विशेष में कि इनको वोट दो इनको वोट न दो। प्रोफेसर शास्त्री सफाई में जो दावा करें वो सच या झूठ ये तो बेहतर वही बताएंगे। फिलहाल सच्चाई ये है कि फेसबुक पर बीजेपी के पक्ष में भविष्यवाणी करना कांग्रेस के राज में एक प्रोफेसर को भारी पड़ गया है।